नमस्कार, कूल क्रिएशंस में आपका स्वागत है। आज हम लोग डाइट दालमोठ बनाएंगे, जो बाज़ार में काफ़ी कीमत पे मिलती है और घर पर हम कम कीमत पर ये तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएगी। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स हमने लिए हैं, एक कटोरी हमने लहिया लिए और एक से डेढ़ कटोरी हमने खीर लिए, एक छोटी कटोरी मैंने मूँगफली के दाने और सेब लिए हैं हमने, आधा चम्मच हमने काला नमक लिया है, आधा चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला और देखिए तेल हम कढ़ाई में डालेंगे और गर्म करेंगे और इसमें हमने छन्नी को रख दिया है। खीर बहुत ही जल्दी से भुन जाती है, इसलिए इसको फ्राई करने में आप बस तुरंत तुरंत इसको चलाते रहिए और इस तरह से देखिए आसानी से छन्नी पर हम इस तरह से दबाकर नैपकिन पेपर पर इसको निकाल लेंगे, जिससे कि इसका एक्स्ट्रा ऑयल नैपकिन पेपर पर आ जाए। और इसी तरह हम खीर के बाद लहिया और मूंगफली के दाने भी फ्राई करेंगे। देखिए लहिया अब हम कर रहे हैं, आप ये घर पर बनाएंगे तो ये शुद्ध भी होगी और बाजार से कम कीमत पे तैयार हो जाएगी। मूंगफली के दाने फ्राई कर लेंगे और इसको भी हम एक साथ इसी नैपकिन पेपर पर निकाल लेंगे और इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकालने के लिए हम इसको देखिए एक नैपकिन पेपर पर डालेंगे और दूसरे नैपकिन पेपर से इसको इस तरह से देखिए नीचे और ऊपर से घुमा घुमा कर हम इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है इस तरह से निकाल देंगे। ये दोनों ही पेपर देखिए ऑयल से पूरी तरह से गीले हो गए, तो इनको हटा देंगे और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। लहिया, खील और मूंगफली इसमें है और अब हम देखिए सेब डाल लें और नमक स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं, मैंने काला नमक डाला है। अगर चाट मसाला आप ज़्यादा डालें तो आप नमक को स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि उसमें ऐड होता है। ये देखिए मैंने भुना जीरा, काली मिर्च पाउडर और ये धनिया और पुदीना पाउडर मैंने ऐड किया है। आप अपने चॉइस से मसाले डाल सकते हैं इसमें, जो भी आपको फ्लेवर पसंद हो। और इस तरह से आपकी डाइट दालमोठ घर पर आसानी से तैयार हो जाएगी और बहुत ही आपको अच्छी भी लगेगी। आपको ये दालमोठ कैसी लगी बनाइए और बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग कूल क्रिएशंस। Like, subscribe my channel.